हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है शाही पुलाव। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये काजू। काजू को हमें हल्का ब्राउन कलर का होने तक फ्राई कर लेना है। काजू को बहुत ध्यान से फ्राई करना है क्योंकि काजू बहुत ही जल्दी से जलने लगता है। ब्राउन कलर आते ही इसे तुरंत निकाल देना है। इसके बाद हम इसी ऑयल में डालेंगे ये आलू। आलू को मैंने इस तरह से कट किया है, आप चाहे तो लंबी चिप्स में भी कट कर सकते हैं। आलू को भी हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये गाजर। गाजर को भी मैंने ऐसे लंबे पीस में कट कर किया हुआ है। आलू और गाजर को एक साथ फ्राई नहीं करना है क्योंकि आलू को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है और गाजर बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं अच्छी तरह से। इसे भी निकाल लेंगे हम। इन सब सब्जियों की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये सब कितनी मात्रा में लेना है। अब इसमें डालेंगे कैप्सिकम और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये इस पैन को कवर कर लेना है ताकि इसके जो छींटे हैं वो हमारे ऊपर ना आए। 2 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो कैरेट को इसके साथ ही फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैंने पहले अलग से फ्राई कर लिया था। सिर्फ आलू को ही अलग से फ्राई करेंगे तो भी चलेगा। अब इस एक्स्ट्रा ऑयल को हम ऐसे कटोरे में निकाल लेंगे। अब बचे हुए ऑयल में हम ये गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे ये ग्रीन चिली। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये उबले हुए राइस। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। तकरीबन 1 चम्मच जितना नमक मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये सारी फ्राई की हुई सब्जियां डाल देंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे ये हमारे काजू, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा ये मरी पाउडर। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसमें डालेंगे ये 1.5 चम्मच जितनी शक्कर। इसे मिक्स करके ऐसे ही 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है इस पुलाव को ताकि शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसमें। तो यहाँ पे हमारे जो ये शाही पुलाव है वो रेडी है। इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इस पुलाव को ऐसे ही खा सकते हैं या फिर किसी भी खट्टी मीठी सब्जी या कढ़ी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना।